नमस्कार, जी न्यूज डॉट कॉम के साथ मैं हूं गुड्डू। आज हम बात कर रहे हैं नगर थाना की और देवघर में कानून व्यवस्था की। देवघर में लगता है कानून का नहीं, भू माफियाओं का राज है और कानून के रखवाले उनके इशारे पर तातात्थैया करते नजर आते हैं। जी हां, कुछ इसी तरह का मामला नगर थाना क्षेत्र के कल्याणपुर मोहल्ले में देखा गया, जहाँ मानवता को दरकिनार करते हुए कुछ माफिया नगर थाना पुलिस की मदद से एक महिला और दो बच्ची को घर से उठाकर सड़क पर खड़ा कर दिया है। इस तरह की कार्यवाही से पूरी पुलिस डिपार्टमेंट पर एक सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों किया गया। अभी लॉकडाउन का सीजन चल रहा है और ऐसे में ये कार्रवाई कहां तक उचित है, इसका जवाब देने के लिए अब अधिकारी सामने नहीं आ रहे हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल वाले बेल आइकॉन को दबाना न भूले। VOA नगर थाना के सामने खड़े वाहन और वाहन पर लदा सामान, सड़कों पर भटकती महिला और उसके दो बच्ची, जो नगर थाना के सामने चीख चीख कर पुलिस की नाकामी को बयां कर रही है। इस महिला का नाम साधना देवी है, जिसे पुलिस और कुछ भूमाफियाओं ने मिलकर घर से बेघर कर दिया है। महिला के मुताबिक देवघर नगर थाना प्रभारी विक्रम प्रताप सिंह पुलिस बल के साथ एकाएक महिला के घर पर पहुंचे और जबरदस्ती गेट का दरवाजा तोड़ने लगे। मना करने पर मारपीट किया और घर का सारा सामान वहां से उठाकर थाने ले आई और दो बच्चों के साथ महिला को सड़क पर भटकने के लिए छोड़ दिया। मेरा जेवर भी है, 10 भर का जेवर भी है, सब कुछ जेवर में है। इतना हाथ नहीं भी हमको पड़ रहा, जेवर भी है। उसके बाद पैसा भी हमारा लगभग 2.5 लाख रुपया पहले से हम निकाल कर रही थे। हमारा कोई काम आ गए थे तो हम बैंक से निकाल लिए थे कि कब हमारा अभी लॉकडाउन हम नहीं जा पाएंगे, तो हम पैसा निकाल के रख लिए थे घर में। उसके बाद कांसा पीतर तो बातें छोड़ दीजिए कि कितना मेरा माँ दहेज घर से मिलल था, वो बातें छोड़ दीजिए। सक्षम बित्रु सबका स्कूल का पैसा मिलल है, बहुत था जमा करके रखा है, 15 सेलों का पैसा मतलब स्कूल से मिल रहा था। तो क्या हुआ वो सब चीज, क्या हुआ? सब छीन छोड़ लूटपाट। कौन किया ये? वही विक्रम सिंह है, लेडीज लोग हैं, फोर्स जितना है सारा गए, सब फोर्स लोग हैं। विक्रम सिंह का हमको बोलती है इसको ट्रुइंग कराओ बोल रहे थे। थाना प्रभारी और भूमाफिया की जुगलबंदी के सामने महिला की एक न चली और यह महिला अपने दो बेटियों के साथ थाना प्रभारी के सामने गिड़गिड़ाती रही, लेकिन पुलिस कहां सुनने वाली थी। थक हार कर महिला बड़ी उम्मीद के साथ एसपी से मिलने कार्यालय पहुंची, लेकिन एसपी साहब से मुलाकात नहीं हो पाई क्योंकि सामने समय सीमा की बोर्ड लगी थी जिसमें मिलने का समय दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक लिखा था। पीड़ित महिला की हालत देखने के बाद सत्ता पक्ष के नगर उपाध्यक्ष टार्जन ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि एसपी साहब को पीड़ित महिला से मुलाकात करनी चाहिए। कोई गरीब अगर एसपी के पास पहुंच जाता है तो वो डीआईजी तक पहुंचने के काबिल है। यही कारण है कि लोगों का विश्वास पुलिस पर से उठता जा रहा है। बड़े पदाधिकारियों को संज्ञान में लेना चाहिए, उनकी बात सुननी चाहिए। मामला अंडर जुडिस्ट है तो देखना चाहिए, उनको समझाना चाहिए, उसको संतोष करना चाहिए। वो जिस तरह सड़कों में भटक रही है, लगता है कि आजाद हिंदुस्तान की वो नागरिक नहीं, उनका कोई सुनने वाला नहीं है। उनकी बात सुनी जानी चाहिए। बड़े पदाधिकारी हैं, उन पे सबका आस्था है, विश्वास है कि थाना नहीं सुना तो डीएसपी नहीं सुना तो एसपी। एक गरीब एसपी तक ही आ जाने में वो अपने आप को डीजीपी से मिलने के बराबर समझता है। इसीलिए मैं एसपी साहब से आग्रह करूंगा कि लोगों से मिलने जुलने का जो ठीक है, सोशल डिस्टेंस बना के आप उनसे मिलिए जरूर। नहीं मिलने से उसमें जो एक विश्वास होता है कानून के प्रति वो टूटने लगा। नगर थाना पुलिस ने दमनात्मक रवैया अपनाते हुए दो बच्ची के साथ महिला को जबरदस्ती उसके घर से निकाल कर सड़कों पर फेंक दिया। आखिर ऐसा क्यों किया गया, इस पर पुलिस डिपार्टमेंट कुछ भी कहने को तैयार नहीं है, लेकिन इस तरह की कार्रवाई एक बार फिर पुलिस को कटघरे में खड़ा करने के लिए काफी है। देवघर से कैमरामैन विकास के साथ गुड्डू झा की रिपोर्ट। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल वाले बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।